तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरा आज का इस वीडियो में। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी खास, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक और नया जगह लेके जा रहा हूँ और उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं खनिज संपदाओं से भरी पड़ी, जी हाँ फ्रेंड्स, जिसे हम लोग बॉक्साइड नगरी के नाम से भी जानते हैं। और फ्रेंड्स, मैं बता दूँ कि भारतवर्ष का सबसे ऊँची रेलवे लाइन में से एक जो कि वहाँ पर स्थित है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं झारखंड का एक ऐसा सुंदर सा जिला के बारे में जिसके बारे में शायद आपको पहले से नहीं होगा पता। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक प्यारा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप मेरे चैनल में अभी तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लेके हमेशा आते रहता हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं झारखंड का एक सुंदर सा राज्य, जी हाँ फ्रेंड्स, जिसे हम लोग कहते हैं लोहरदगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज हम लोग लोहरदगा जिले के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो लोहरदगा जिला झारखंड राज्य के 24 जिलों में से एक है, जो कि छोटा नागपुर पठार के दक्षिण पश्चिम हिस्सा में स्थित है। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं तो यह जिला छोटा नागपुर पठार के जनजातीय बहुल क्षेत्र में से एक है। और फ्रेंड्स, मैं आगे अगर बता दूं तो यह जिला चारों तरफ से छोटे छोटे पहाड़ों जंगलों के बीच में स्थित है। अगर इस जिले का नाम के बारे में बात करें तो ये दो शब्द से मिलकर बना है, जिसमें कि पहला है लोहार जोड़ दग्गा, इसमें लोहार का मतलब होता है लोहा और दग्गा का मतलब होता है केंद्र। इससे हम लोग को ये पता चलता है कि लोहरदगा यानी कि लोहा का केंद्र। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें इसकी एरिया की, ये कितने क्षेत्रफल में स्थित है, तो इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1491 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। वहीं अगर हम लोग बात करें यहाँ की पॉपुलेशन, तो यहाँ 2011 जनगणना के अनुसार 461790 की आबादी स्थित है। और वहीं अगर हम लोग 2022 की डाटा के अनुसार देखें तो यहाँ की जनसंख्या की वृद्धि होकर 561352 के करीब हो गई है। और फ्रेंड्स, आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक अनुमंडल है जो कि लोहरदगा अनुमंडल है। और अगर इस जिले के अंदर कुल ब्लॉक की बात करें तो 7 ब्लॉक स्थित हैं, और इन्हीं 7 ब्लॉकों में टोटल 66, जी हाँ फ्रेंड्स, 66 पंचायत स्थित हैं। और अगर गांवों की बात करें तो यहाँ गांवों की संख्या लगभग 353 गांव हैं। तो फ्रेंड्स, आगे चल के अगर हम लोग इसका लिंगानुपात की बात करें तो इस जिले की कुल लिंगानुपात 985 है, जो कि प्रति 1000 पुरुषों पर 985 महिलाएँ हैं। और फ्रेंड्स, वहीं अगर हम आगे बात करें इसकी कुल आबादी का, जो जनसंख्या घनत्व की, तो कुल जनसंख्या घनत्व इसकी लगभग 307 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार ये झारखंड की सबसे कम आबादी वाला जिला में से एक है। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि कुछ इसकी आर्थिक गतिविधियों के बारे में। तो अगर हम लोग यहाँ की आर्थिक गतिविधियों की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ के 90% लोगों का जो आर्थिक गतिविधि है वो है कृषि। और अगर हम कहें कि यह कृषि प्रधान जिला है तो ये कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के लोग मानसून के ऊपर आधारित हैं और मानसूनी खेती करते हैं, जैसे चावल, मड़ुआ, दलहन, सरगुजा। इसके अलावा और भी कई प्रकार के सब्जियाँ बड़ी मात्रा में उगाई जाती है। और फ्रेंड्स, मैं बता दूँ कि इन सारे सब्जियों को राउरकेला, रांची, यहीं नहीं जमशेदपुर तक सप्लाई किया भी जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग चल के देखते हैं यहाँ की भाषा, जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ की लैंग्वेज के बारे में। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाने वाली में बहुत सारी लैंग्वेज है, जैसे कि कुड़ुक, सादरी, उर्दू, हिंदी, असूरी, मुंडारी। इसके अलावा भी और कई ट्रेडिशनल लैंग्वेज बोली जाती है। और फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सोसाइटी की, यानी कि यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं, तो जिनमें कि मुख्य रूप से हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आगे बता दूँ कि यहाँ की जो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जो भाषा है वो है हिंदी। तो ये कुछ थी यहाँ की विशेषताएँ। अब आगे हम लोग चल के देखते हैं कुछ इसका इतिहास, जी। तो फ्रेंड्स, आगे चलकर अगर हम लोग इस ज़िले का इतिहास की बात करें तो इस ज़िले का इतिहास काफ़ी पुरानी है, क्योंकि इस ज़िले का निर्माण 1983 ईस्वी में रांची ज़िले से अलग करके बनाया गया था। वहीं अगर हम बात करें इसका कुछ पुराने समय या फिर पौराणिक कथाओं के अनुसार, तो जैन पुराणों के अनुसार भगवान महावीर लोहरदगा जिले की यात्रा किए थे, और ये इस ज़िले को और भी खास इस वजह से बनाती है। तो फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग चल के देखते हैं यहाँ के खनिज संपदा के बारे में। तो अब हम लोग जानेंगे लोहरदगा फेमस किन किन चीज़ों से है। तो यहाँ की खनिज संपदा, जिसमें सबसे पहले नंबर पे बॉक्साइड है, जो कि जिले का प्रमुख खनिज भी है। इसके अलावा फेल्डस्पार, फायर क्ले तथा चयन
साथ ही साथ ग्रेनाइट, एल्यूमिनियम और लेटेराइट जैसी अन्य कई प्रकार के खनिज संपदा यहाँ पे पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, अब तक तो बात हुआ यहाँ के खनिज संपदा के बारे में, तो अब आगे चलकर हम लोग कुछ अब यहाँ का सुरमयी दृश्य के बारे में जानते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट की। तो यहाँ की जो यातायात है वो काफ़ी अच्छी है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे सरल सुगम, जैसे कि यहाँ हमारे देश के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या में से 43 या फिर 143A इस ज़िले से होकर जाती है, या फिर कह सकते हैं इस ज़िले से होकर गुजरती है, जिस वजह से यहाँ पे लोगों का आना जाना का सुविधा काफ़ी अच्छी है। वहीं अगर हम लोग बात करें यहाँ की रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ एक रेलवे स्टेशन भी स्थित है जो कि लोहरदगा रेलवे स्टेशन है। और वहीं अगर हम लोग बात करें यहाँ के नज़दीकी हवाई अड्डा की, तो नज़दीकी हवाई अड्डा में से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो कि रांची में स्थित है, जो कि यहाँ से इसकी दूरी लगभग 75 किलोमीटर होती है। तो फ्रेंड्स, फाइनली अब आगे हम लोग चल के देखते हैं यहाँ का टूरिस्ट प्लेस के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, तो अब हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे मुख्य घूमने के स्थल कौन कौन से हैं, जिसमें कि पहला नंबर पे आता है लावापानी वाटरफॉल, जो कि इस फॉल को काफ़ी सुंदरता देती है। वहीं आगे बात करें तो 27 नंबर रेलवे लाइन, जी हाँ फ्रेंड्स, जो कि हमारे पूरे भारतवर्ष के सबसे ऊँचे रेलवे लाइनों में से एक है, और ये रेलवे लाइन काफ़ी फेमस भी हो रहा है। और आगे बात करें तो चीरी जंगल, लोहरदगा, अखिलेश्वर धाम, प्राचीन शिव मंदिर, अंदनी डैम, इसके अलावा और भी कई छोटे बड़े यहाँ पे पर्यटन स्थल स्थित हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं झारखंड राज्य की राजधानी रांची से इसकी कुल दूरी। तो इसकी कुल दूरी लगभग 75 किलोमीटर है, जो कि यहाँ से बाय रोड आप जा सकते हैं या फिर ट्रेन के भी द्वारा जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और इसी तरह के वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना सकूं, इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह का और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।